किचन हैक्स। कबर्ड के डार्क एंड कॉर्नर को यूज़ करने के लिए लेडी सुसेन का यूज़ कीजिए, ये टर्नेबल है एंड इसको टर्न करके आप चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपने पेंस एंड पॉट्स को होल्ड करने के लिए फाइल ऑर्गेनाइजर का यूज़ कीजिए, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके कबर्ड में आसानी से आ जाता है और आपके स्पेस को मैक्सिमाइज़ करता है। हमेशा क्लियर कंटेनर का यूज़ कीजिए, इसमें लेबलिंग की ज़रूरत नहीं होती और आपको बार बार सामान को ढूंढना भी नहीं पड़ता। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में आप फ्रिज में अपने फूड आइटम्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते, साथ ही आपको उनको ऑर्गेनाइज करके रखने में भी आसानी होती है और आप उनको कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। अपने कबर्ड के डेड स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के अंडरशेल्फ ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कीजिए, ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है और आपके स्पेस को मैक्सिमाइज करता है। हमेशा वॉल एंड डोर स्पेस को यूटिलाइज कीजिए, इसके लिए आप कमांडेबल हुक्स या फिर सेल्फ एडहेसिव हुक्स का यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली डोर एंड वॉल पे स्टिक हो जाते हैं और आप उसमें अपने यूटिलिटी आइटम्स को हैंग करके रख सकते हैं और स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेयर्स वाली किचन रैक्स या कॉर्नर रैक्स को यूज़ करके आप अपने काउंटर टॉप में भी काफ़ी स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, साथ ही आप इनको कबर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और कबर्ड की स्पेस को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमेशा नेस्ट कंटेनर या फिर कोलेप्सेबल आइटम्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि जब चीज़ें आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इन कोलेप्सेबल आइटम्स और नेस्ट कंटेनर्स को ईजीली स्टैक करके रखना काफ़ी आसान होता है और ये काफ़ी कम स्पेस घेरती हैं। किचन वेयर आइटम लाइक नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, विस, इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इस तरह के रैक का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें फैमिली का कोई भी मेंबर चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने ड्रॉर स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इस कटलरी ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका स्पेस 30-40% मैक्सिमाइज हो जाता है और इसमें बड़ी और छोटी स्पून सभी को रखने के लिए अलग अलग स्पेस दिए हुए हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।